दिवाली पर 72,000 करोड़ का व्यापार, चीन को 40,000 करोड़ का फटका। कोरोना महामारी के गंभीर संकट के बीच इस वर्ष का दिवाली त्योहार पूरी तरह से एक अलग ही अंदाज में पूरे देश में मनाया गया, जिसमें कुछ बहुत ही नवीन विशेषताएं थी। इनमें चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार, भारतीय सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ साथ भारत में 8 महीने का व्यापार का निर्वासन समाप्त हुआ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार रिटेल व्यापार के विभिन्न वर्गों, जिसमें खास तौर पर भारत में बने FMCG उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएं, खिलौने, बिजली के उपकरण और सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सफेद सामान, रसोई के सामान, उपहार की वस्तुएं, मिठाई नमकीन, घर का सामान, टेपेस्ट्री, बर्तन, सोना और गहने, जूते, घड़ियां, फर्नीचर, फिक्स्चर, वस्त्र, फैशन परिधान, कपड़ा, घर की सजावट का सामान, मिट्टी के दिए सहित दिवाली पूजन का सामान, सजावटी सामान, हस्तकला की वस्तुएं, वस्त्र, घर द्वार पर लगाने वाले शुभ लाभ, ओम, देवी लक्ष्मी के चरण आदि अनेक त्योहारी सीजन वस्तुओं की बिक्री बहुत अच्छी रही है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश के 20 अलग अलग शहर जो देश भर में सप्लाई चेन के प्रमुख वितरण केंद्र से एकत्रित रिपोर्टरों के अनुसार दिवाली त्योहार सीजन बिक्री से देश भर में लगभग 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और चीन को सीधे तौर पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ। उन्होंने बताया, हालांकि उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से, जिसमें पटाखों की नीति का अभाव मुख्य कारण रहा, जिसके चलते बड़े एवं छोटे तथा बेहद मामूली स्तर के पटाखों के निर्माणकर्ता एवं विक्रेताओं को लगभग 10,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ। 20 शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, जम्मू, अहमदाबाद, सूरत, कोचीन, जयपुर और चंडीगढ़ को कैट वितरण शहर मानता है और विभिन्न विषयों पर नियमित सर्वेक्षण कराता है। यदि सेंसेक्स कोई संकेतक है तो निश्चित रूप से देश में व्यापार के लिए एक उज्जवल भविष्य है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजों के सभी प्रमुख सूचकांक निफ्टी के साथ साथ भविष्य के बेहद अच्छे परिणाम दिखाते हैं। दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग पर BSI 12,780 पर और निफ्टी 43,637.98 पर बंद हुआ। पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली सूचकांकों ने कोरोना और लॉकडाउन के प्रभाव के बावजूद लगभग 10% इजाफा किया। वृद्ध मोर्चे पर रिकवरी के अच्छे संकेतों और लगातार हो रहे निवेश के जारी रहने के कारण अगली दिवाली तक निफ्टी के 14,000 को छूने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।